श्री राम जन्मभूमि के महानायक अशोक सिंघल की जयंती मनाई गई। विश्व हिंदू परिषद धर्म जागरण न्यास एवं वेद शिक्षा मंदिर द्वारा श्री राम जन्मभूमि के महानायक अशोक सिंघल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों द्वारा वेद भगवान का पूजन किया गया तथा वेद सेवक सम्मान भी दिया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अशोक सिंघल के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद वेद भगवान का पूजन एवं अशोक सिंघल की अंतिम इच्छा घर घर पहुंचे वैदिक शिक्षा को साकार करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील स्वर्णकार क्षत्रिय कमेटी के अध्यक्ष कमल कुमार सिंह को वेद सेवक सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री हनुमान मंदिर ऋषिकेश के महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास श्री वैष्णव जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि अशोक सिंघल बचपन से धर्म योद्धा थे। वाराणसी में विद्यार्थी जीवन में काशी की गलियों में वेद ध्वनि सुना करते थे, लेकिन धीरे धीरे गिनती में वैदिक रह गए। इस बात की चिंता उन्हें सताने लगी और सन 1983 में काशी को पुनः वेद नगरी की प्रतिष्ठा दिलाने के लिए गायघाट के डालमिया भवन में वेद शिक्षा मंदिर की स्थापना की। उनके संकल्पों का परिणाम है कि आज 500 से ज्यादा वेद पाठी और 200 से ज्यादा एकल एवं सामूहिक वेद विद्यालय काशी में है। आज हमें महापुरुष के जन्म दिवस पर काशी को पुनः वेद नगरी बनाने का संकल्प लेना चाहिए। विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर दक्षिणी के विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने कहा कि सिद्धपीठ श्री नरसिंह मठ से अशोक सिंघल का गहरा संबंध रहा है। वे सदैव काशी आने पर यहां अवश्य आते थे। उनका जीवन धर्म योद्धा के रूप में रहा है। एक तरफ श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में महानायक की भूमिका और दूसरी तरफ वेद के आधार पर भारत मां को विश्वगुरु बनाने का संकल्प। ऐसे महापुरुष का जन्मदिवस संपूर्ण हिंदू समाज के लिए प्रेरणा दिवस के रूप में है। कार्यक्रम का संचालन रविशंकर सिंह एवं धन्यवाद प्रकाश श्याम सुंदर सिंह ने किया। सदैव अशोक जी की संकल्पना को साकार करने वाले ऐसे हमारे काशी के गणमान्य नागरिकगण, हमारे वैदिक बटू, अशोक जी की जो कल्पना थी वो एक साधारण कल्पना नहीं थी और इस कल्पना पर चलना भी कितना कठिन था यह आप सब कुछ स्वयं महसूस कर सकते हैं। आज की इस आधुनिक दौर में जब हम चारों तरफ पाश्चात्य संस्कृति को देखते हैं, चारों तरफ नजर उठा के देखते हैं, तो धार्मिक कामों में जो रुचि लेना चाहिए वो संख्या कुछ कम दिखाई पड़ती है उसके अपेक्षा जो आज पाश्चात्य संस्कृति के कार्यक्रमों में दिखाई पड़ती है। लेकिन ऐसे समय में जो हमारे युवा साथी, बहुत से लोग आज जिनकी उम्र 20-22 वर्ष भी होगी, कुछ ऐसे भी होंगे जो 60-70-80 के आसपास भी होंगे।